वेलकम टू हेल्थ इज़ योग। ड्राइंग यानी कि खुश करने का अमल, अद्वियात को बनाने में इस्तेमाल होने वाले अज़ा को कैसे खुश किया जाता है और इनको ड्राइंग करने के लिए किन आलात का इस्तेमाल किया जाता है और फार्मेसी में ड्राइंग की क्या अहमियत है। इस लेक्चर में ड्राइंग के बारे में सारी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। व्हाट इज़ ड्राइंग और डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग क्या है या फिर इसकी तारीफ क्या है। ड्राइंग को उर्दू ज़बान में खुश करने का अमल कहा जाता है। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। ड्राइंग इज़ अ मैस ट्रांसफ़र प्रोसेस consisting of the removal of water or another solvent by evaporation from a solid, semi-solid or liquid. Drying एक mass transfer process है। अब ये mass transfer process क्या होता है, पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। Drying यानी कि खुश करने का अमल एक physical तरीक़ाकार है, यानी कि हम इस तरीक़ाकार को अपनी मौजूदगी में अपनी नज़रों के सामने और अपने हाथ की मदद से करते हैं। ये एक जिस्मानी तरीक़ाकार है जिसमें अज़ा को एक जगह से दूसरी जगह हरकत देकर उनका अच्छे से अपनी आँख के ज़रिए मुशाहिदा किया जाता है। इसी को मैस ट्रांसफ़र प्रोसेस कहते हैं और खुश करने का अमल एक मैस ट्रांसफ़र प्रोसेस है। ड्राइंग एक ऐसा तरीक़ाकार है जो कि तमाम इकसाम की अद्वियात, चाहे वो सॉलिड यानी कि ठोस हालत में पाई जाती हों, चाहे वो सेमी सॉलिड हालत में मौजूद हों या फिर वो माया हालत में ही क्यों ना मौजूद हों, इन तमाम अद्वियात में से पानी या फिर पानी जैसी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सॉल्वेंट की शक्ल में मौजूद हो और वो अद्वियात में नमी पैदा कर रही हो, इन तमाम चीज़ों को बखरात की शक्ल में तब्दील करके अद्वियात में से खारिज करना, यही ड्राइंग यानी कि खुश करने का तरीक़ाकार है। दिस प्रोसेस इज़ ऑफन यूज एज अ फाइनल प्रोडक्शन स्टेप बिफोर सेलिंग और पैकिंग प्रोडक्ट्स। ड्राइंग एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसको हम ख़ास तौर पर तब इस्तेमाल करते हैं जब हम दवाइयों को सही से बना चुके होते हैं या फिर जब अद्वियात अपने इख्तिताम के तरीक़ाकार तक पहुँच जाती हैं और उनको बेचने से पहले और उनकी पैकिंग करने से पहले हम उनको खुश करने के अमल से गुजार लेते हैं, ताकि अगर उनमें कोई भी नमी रह गई हो तो वो भी नमी दूर हो जाए। अ सोर्स ऑफ हीट एंड एन एजेंट टू रिमूव द वेपर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस आर ऑफन इन्वॉल्व्ड। ड्राइंग एक खुश करने का अमल है तो जाहिरी सी बात है खुश तभी किया जा सकता है जब हमारे पास खुश करने के अवामिल मौजूद हों। तो खुश करने के लिए सबसे जो बेहतरीन अवामिल है वो हीट यानी कि आग है। आग की मदद से हम बआसानी अपनी अद्वियात में से पानी या इस जैसी कोई भी माया हालत में पाई जाने वाली चीज़ को बआसानी अपनी अद्वियात में से खारिज कर सकते हैं और उनको बखरात की शक्ल में तब्दील करना भी आसान हो जाता है। इन बायो प्रोडक्ट्स लाइक फूड, ग्रेन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स Like vaccine, the solvent to be removed is almost invariably water. कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ज़िंदा अज़ाम रोज़ाना या फिर अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे वक्त में इस्तेमाल करते हैं उनको बायो प्रोडक्ट्स कहते हैं, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि ज़िंदा अज़ाम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी होती हैं, जैसे कि फूड खुराक जिसमें फल और सब्जियां वगैरह शामिल हैं, ग्रेन्स जैसे कि खुश्क दालें, चावल और इस तरह की तमाम अज़ा इसमें शामिल हैं, या फिर ऐसी अद्वियात जैसा कि वैक्सीन्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों में से हमेशा के लिए पानी को ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इन तमाम चीज़ों के अंदर पानी मौजूद हो यानी कि नमी की शक्ल में भी अगर मौजूद हो तो ये चीज़ें ख़राब होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा रहता है, जिस वजह से चीज़ों में से पानी को खारिज करना और उन अद्वियात को या फिर खाने पीने की चीज़ों को खुश करना
ये एक बेहतरीन किस्म का तरीक़ाकार होता है ताकि अद्वियात और दूसरी चीज़ों को देर पा तक महफूज रखा जा सके। इक्विपमेंट्स यूज्ड इन ड्राइंग प्रोसेस। खुश्क करने के अमल में इस्तेमाल होने वाले आलात में शामिल हैं, पहले नंबर पर बेल्ट ड्रायर और दूसरे नंबर पर वैक्यूम ट्रे ड्रायर। आने वाली स्लाइड्स में हम इन दोनों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे और तस्वीर की मदद से समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। फर्स्ट इक्विपमेंट इज़ बेल्ट ड्रायर। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। बेल्ट ड्रायर इज़ अ कंटिन्यूस ड्राइंग इक्विपमेंट। बेल्ट ड्रायर इज़ वाइडली यूज फॉर द केमिकल, फूड एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। बेल्ट ड्रायर एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा आलात है जो कि मसलसल तौर पर चीज़ों को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बेल्ट ड्रायर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आला है। ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, इसका इस्तेमाल खुराक बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, और अगर हम अद्वियात की बात करें तो तमाम तर अद्वियात की इंडस्ट्रीज़ में बेल्ट ड्रायर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। इट इज़ स्पेशली सूटेबल फॉर ड्राइंग रॉ मटीरियल्स डेट आर गुड इन ब्रीथ एबिलिटी एंड इन द शेप्स ऑफ द पीस, स्ट्रिप और ग्रेन्यूल। बेल्ट ड्रायर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला आला है। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये तमाम तर अद्वियात की जो इश्काल होती हैं उनके लिए ये मवाफिक किस्म का आला है। अगर हम बेल्ट ड्रायर की बात करें तो ये एक ऐसा आला है जो कि ख़ास तौर पर खाम अद्वियात को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा वो ऐसी अद्वियात जो कि टुकड़ों की शक्ल में पाई जाती हों, जो कि लंबाई या फिर स्ट्रिप्स की शक्ल में मौजूद हों, या फिर ग्रेन्यूल्स यानी कि दानेदार शक्ल में मौजूद हों, इन तमाम इश्काल की अद्वियात के लिए भी बेल्ट ड्रायर का इस्तेमाल ही किया जाता है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू ड्राई द पेस्टेड रॉ मटीरियल्स सच एज फिल्टर केक आफ्टर शेप थ्रू ग्रेनुलेटर और एक्सट्रूडर। ऐसी वो तमाम अद्वियात जो कि ग्रेनुलेटर मशीन से गुजरी हुई हों या फिर एक्सट्रूडर मशीन से ही क्यों ना गुजरी हुई हों और वो केक जैसे यानी कि चिपटी शक्ल के अंदर मौजूद हों, तो इन तमाम चीज़ों को भी बेल्ट ड्रायर के अंदर ही खुश्क करना आसान होता है और इसी तरीक़ेकार से इनको खुश्क करना मुमकिन भी है। इस स्लाइड में आपको बेल्ट ड्रायर दिखाया गया है। अगर हम इस बेल्ट ड्रायर को ज़रा गौर से देखें तो हमें इसके नीचे बिल्कुल वाज़िया तौर पर पाँव यानी कि पहिए लगे हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे हमें ये वाज़िया होता है कि हम बेल्ट ड्रायर को बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बेल्ट ड्रायर को सबसे ऊपर वाली सतह से देखें जो कि उसकी छत है, तो इसकी छत पर हमें कुछ ऐसे स्विच लगे हुए नज़र आ रहे हैं जो कि हमें ये वाज़िया करते हैं कि बेल्ट ड्रायर को बिजली की मदद से चलाया जाता है, और इसके अलावा इसकी स्पीड और खुश करने का जो अमल है इसकी तमाम तर रफ्तार भी यहीं से ही कंट्रोल की जाती है। इसके बाद चलते हैं इसकी आगे वाली दो प्लेट्स की तरफ जो कि हमें ये वाज़िया करती हैं कि बेल्ट ड्रायर के अंदर अगर हमने किसी भी चीज़ को खुश करना है तो हमें अपनी मेडिसन या फिर केमिकल या फिर खुराक का कोई भी हिस्सा जो कि खुश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसको हम यहीं पर रखेंगे, और रखने के बाद जब हम स्विच को दबा देंगे तो ये प्लेट्स उसके अंदर चली जाएंगी और इसके बाद ये खुश करने का अमल शुरू हो जाएगा। हम इस ट्रे को बार बार बाहर निकाल कर भी देख सकते हैं कि आया जो हमारी दवाई है या फिर हमारा जो मटेरियल है वो किस हद तक खुश्क हुआ है। ये तमाम तर चीज़ें बेल्ट ड्रायर के अंदर करना बहुत ही आसान दे है। ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाला दूसरा इक्विपमेंट है वैक्यूम ट्रे ड्रायर। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। वैक्यूम ट्रे ड्रायर इज़ यूज्ड मेनली फॉर ड्राइंग ऑफ द हाई ग्रेड टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। वैक्यूम ट्रे ड्रायर एक ऐसा ड्रायर है जो कि ख़ास तौर पर ऐसी अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है
जो कि ज़्यादा हाई किस्म का टेम्परेचर रखती हों, या फिर ऐसी अशिया जो कि ऑक्सीजन से हसासियत रखती हों, उनके लिए वैक्यूम ट्री ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है। वैक्यूम ट्री ड्रायर इज़ हाईली सूटेबल फॉर ड्राइंग द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस विच आर ड्राई टू वेरी लो रेजिडुअल मॉइस्चर एंड कंटेंट लेवल। वैक्यूम ट्री ड्रायर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के लिए किया जाता है। अब ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होती हैं? ये ऐसी अशिया को कहा जाता है जो कि हवा से नमी को तो जज़ब कर लेती हैं लेकिन ख़ुद को सॉल्यूशन में तब्दील होने नहीं देती, जैसा कि नमक वगैरह। नमक में हवा की नमी से नमी तो आ जाती है लेकिन वो ख़ुद को पानी जैसी शक्ल में तब्दील नहीं होने देता। तो वैक्यूम ट्री ड्रायर का इस्तेमाल ज़्यादातर ऐसी ही अशिया के लिए किया जाता है जो कि हवा से नमी तो जज़ब कर लेती हैं लेकिन ख़ुद की शक्ल को तब्दील नहीं होने देती, या फिर ऐसी अशिया जिनके अंदर थोड़ा बहुत नमी मौजूद हो उनको भी खुश करने के लिए वैक्यूम ट्री ड्रायर का ही इस्तेमाल किया जाता है। वैक्यूम ट्री ड्रायर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैच ड्रायर। दे आर बॉक्स शेप एंड लोडेड एंड अनलोडेड वेयर डोर। वैक्यूम ट्री ड्रायर आम तौर पर ऐसी अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम बआसानी वैक्यूम ट्री ड्रायर के अंदर अपनी चीज़ों को बैचेस की शक्ल में बआसानी खुश्क कर सकते हैं, यानी कि हमें जितनी तादाद के अंदर किसी भी मटेरियल को खुश्क करना है तो हम बआसानी वैक्यूम ट्री ड्रायर के अंदर उसको कर सकते हैं। और अगर वैक्यूम ट्री ड्रायर की शक्ल की बात की जाए तो ये एक डिब्बे की मानद होता है। मज़ीद हम इसकी शक्ल जो है वो आने वाली स्लाइड्स में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। वैक्यूम ट्री ड्रायर एक डिब्बे की शक्ल में होता है और इसमें बहुत सारी तादाद के अंदर ट्रेज मौजूद होती हैं और इसके अंदर दरवाज़ा भी लगा हुआ होता है जिसकी मदद से हम बआसानी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनसाइड आर सेवरल हीटिंग प्लेट्स माउंटेड वन अबव द अदर ऑन विच द प्रोडक्ट इज प्लेस्ड इन ट्रेज। अगर हम अंदरूनी इतराफ में इन वैक्यूम ट्री ड्रायर को देखें तो हमें इसके अंदर एक के ऊपर एक जो है वो ट्री रखी हुई नज़र आएगी। उस ट्रे के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को डालते हैं और इसके अलावा इस डब्बे की अंदरूनी इतराफ में भी हमें कुछ गर्म प्लेट्स नज़र आएंगी जिनमें से हरारत निकलेगी और ये हरारत हमारी इन ट्रेस के ऊपर जाकर पड़ेगी जिसके अंदर हमारी दवाई पड़ी हुई थी। इस तरह से बआसानी इस हरारत की मदद से हमारी जो अद्वियात हैं या फिर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको वैक्यूम ट्री ड्रायर के अंदर रखा गया है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगी। इस स्लाइड में वैक्यूम ट्री ड्रायर को दिखाया गया है। अगर हम इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो हमें दाएं इतराफ में एक छोटा सा डिब्बा नज़र आ रहा है जो कि हमें ये जाहिर करता है कि वैक्यूम ट्री ड्रायर बिजली की मदद से चलने वाला ड्रायर है और हम बिजली की मदद से बआसानी इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। वैक्यूम ट्री ड्रायर के ऊपर लगे हुए स्विचेस ये जाहिर करते हैं कि हम बआसानी इसके दर्जे हरारत को, इसकी स्पीड को और इसके अलावा कितने वक़्त के लिए हमने इस ड्रायर को इस्तेमाल करना है, ये तमाम तर चीज़ें हम यहाँ से बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। इस छोटे से डिब्बे के साथ ही आपको एक बड़ा सा डिब्बा नज़र आ रहा है जो कि सही से वैक्यूम ट्री ड्रायर का हिस्सा है। इस डिब्बे को खोलकर देखते हैं जो कि दो दरवाज़ों पर मुश्तमिल है। जब हमने इसके दोनों दरवाज़े खोले तो हमें इसके अंदर दो खाने वाजिया तौर पर नज़र आ गए। इन दोनों खानों को अगर आप गौर से देखें तो आपको इसके अंदर बड़ी ही तरतीब के साथ और एक फासले पर मुश्तमिल कुछ ट्रेस नज़र आ रही हैं। ये ट्रेस दोनों इतराफ़ में रखी हुई हैं, दाएं खाने और बाएं खाने में। हम इन ट्रेस को बआसानी वैक्यूम ट्री ड्रायर से बाहर भी निकाल सकते हैं और हम इनको बआसानी इसके अंदर लगे हुए स्टैंड में रख भी सकते हैं। इन ट्रेस का ये काम होता है कि अगर हमने कोई भी मटीरियल जो कि खुश करना है इनको इन ट्रेस के अंदर रखते हैं। जब हमने किसी भी चीज़ को खुश करना होता है तो ऐसी सूरत में इन ट्रेस को बाहर निकाल लिया जाता है
और उसके बाद इनको मटेरियल से फिल करके दोबारा इसी खाने के अंदर रख दिया जाता है। इन ट्रेस के बहुत ही खूबसूरती के साथ इनके स्टैंड्स बने हुए होते हैं और इन स्टैंड्स के ऊपर इन ट्रेस को रख दिया जाता है। अगर आप इन ट्रेस के इतराफ़ में देखें, यानी कि वैक्यूम ट्रे ड्रायर के अंदरूनी डिब्बे की तरफ देखें, तो आपको यहाँ पर स्टील की बनी हुई एक शीट नज़र आएगी, जिसको हम आम जबान के अंदर शीट भी कह सकते हैं या फिर इसकी सतह भी कह सकते हैं। इस सतह के अंदरूनी इतराफ़ में बिजली का कनेक्शन होता है और यही ये जो शीट होती हैं ये हरारत पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। जब हम अपनी कोई भी चीज़ जो कि खुश करनी हो, ख़ास तौर पर जैसा कि अदवियात वगैरह, जब हम अपनी इन तमाम ट्रेस को फिल कर लेते हैं तो उसके बाद इन दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और बिजली का स्विच ऑन कर दिया जाता है। और बिजली का स्विच ऑन करने के बाद ये जो अंदरूनी इतराफ़ वाली शीट्स होती हैं ये हरारत पैदा करना शुरू होती हैं, ये गर्मी पैदा करती हैं और इनकी हरारत की वजह से इन ट्रेस के अंदर रखा गया जो मटेरियल होता है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। और फिर कुछ वक़्त के बाद ये अच्छे से जब खुश्क हो जाता है तो फिर कुछ ट्रेस को बाहर निकाल के चेक किया जाता है कि आया इसके अंदर रखा गया मटेरियल सही से खुश्क हो पाया है या नहीं। तो ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ड्राइंग का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।